राजस सुप्रीमो की सफल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हवन पूजन, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सूर्य मंदिर में समर्थकों ने किया पूजन। मधुबनी जिला मुख्यालय के बाहर स्थानीय नागरिकों ने किया धरना प्रदर्शन, कृषि पदाधिकारी खाद में कर रहे कालाबाजारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर 18 दिव्यांग लाभार्थियों को बांटी गई ट्राईसाइकिल, वित्तीय वर्ष में 353 बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की गई आवंटित। राज्य स्वास्थ्य समिति में चयनित एनएम उम्मीदवारों को प्रेक्षागृह में बांटे गए नियुक्ति पत्र। बाबा साहब की मनाई गई भव्य जयंती, सदस्यों ने कहा देश में संविधान कायम रहेगा, बाबा साहब अमर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। राजस सुप्रीमो लालू प्रसाद की किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सफलता हेतु प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सूर्य मंदिर प्रांगण में राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर हवन किया। राजस सुप्रीमो लालू प्रसाद की जल्द से जल्द स्वस्थ होने और लंबी उम्र की कामना की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजस सुप्रीमो लालू प्रसाद गरीबों, असहायों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और किसानों की आवाज है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना और हवन हो रहा है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। इनका बेहतर स्वास्थ्य के लिए लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं हम लोग। भगवान भास्कर के पूजा अर्चना कर रहे हैं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सूर्य नगरी अंगारी धाम में। भगवान भास्कर से हम लोग कामना कर रहे हैं कि इनका बेहतर स्वास्थ्य होकर हम लोग के बीच में। अंबेडकर विचार मंच के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब की प्रतिमा को फूलमाला पहनाकर भव्य श्रद्धांजलि दी गई। अंबेडकर विचार मंच के सदस्यों ने कहा कि जब तक देश में संविधान कायम रहेगा, बाबा साहेब अमर रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश धर्मवाद, जातिवाद से नहीं, संविधान से चलता है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि SDPO सत्यनारायण राम और जदयू प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्र सहित गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। समाज के लोग जो है उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि। अब जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उसी को आज़ादी के बाद लागू हो रहा है और धीरे धीरे जो है चल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि जब तक पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनके सर पर छत नहीं होगा, तब तक मेरा सर पर छत। हम सब यहाँ पे उपस्थित थे और सभी लोगों ने उनको माला अर्पण करके श्रद्धांजलि दी है। बेतिया के नरकटियागंज विधायक आवास से 200 कदमों की दूरी पर अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर और सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की निर्मम हत्या कर दी। स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा ने इस हमले की कड़ी निंदा की और हत्या की CBI जांच कराने की मांग की है। उन्होंने 72 घंटों के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर सदन का घेराव करने की चेतावनी दी। राजेश श्रीवास्तव जी का अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दिया है और 72 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मैं बिहार सरकार से मांग करती हूं कि इसकी CBI जांच हो, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई चल रही है उसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद है।
रामनगर परिषद चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रामनगर परिषद के स्थानीय जनता ने कहा कि अब की बार शेख औरंगजेब को निकाय चुनाव में भारी मतों से जिताना है और रामनगर परिषद को विकास की ओर अग्रसर करना है। सभासद प्रत्याशी शेख औरंगजेब ने बताया कि अगर मुझे जनता का समर्थन मिला तो सर्वप्रथम गरीब तबकों को इंदिरा आवास राशन कार्ड की सुविधा दिलवाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अधिकार के लिए और जनता का अधिकार मेरे जैसे लोगों के आने पर ही संभव। आज देखिए कि ये नगर में बेतरतीब माने कुव्यवस्थाएं चल रही है। रोड पर जितने लोग जीवन यापका जीविकोपार्जन किया करते थे वो गलत था कि रोड पर वो लोग बेतरतीब अपनी व्यवस्थाएं लेके चल रही थी। मधुबनी जिला मुख्यालय के सामने कृषि विभाग और खाद कालाबाजारी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नागरिकों ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी जिला में लगातार खाद बीज की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी की मिलीभगत से खाद बीज की तस्करी भारत नेपाल बॉर्डर से की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे दुकानदारों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। कृषि पदाधिकारी पर कोई जाँच नहीं की जाती। सदर SDM अश्विनी कुमार ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रदर्शनकारियों को सख्त जांच का आश्वासन दिया। लगातार तीसरे दिन दो दिन किसानों ने धरना दिया, तीसरे दिन युवा साथियों ने धरना दिया। मुद्दा एक ही है कि जो कालाबाजारी के खिलाफ में बड़े पैमाने पर बड़े गोदाम को सील किया गया उसकी जांच बड़े पैमाने पर हो, जिससे भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी की बर्खास्तगी में मदद मिले। देखा पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कृषि पदाधिकारी जो कि अभी बौखलाए हुए हैं और बौखला के जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसकी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं और हम लोग मांग करते हैं जो ऐसे कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करें जिला प्रशासन। उनका यह प्रयास है, आज जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले ही रेड पड़ा था और जो कि बताया गया कि जिला DM साहब के आदेश पे ही पड़ा था, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि जो भी कालाबाजारी हुआ है उसके पक्ष में कुछ पदाधिकारी, खासकर कृषि पदाधिकारी देख रहे हैं कि उनके समर्थन में आगे आकर अपना बात बता रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। वो लगातार सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर? नहीं, इस मुद्दे को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों, अभी बुआई का सीजन है और पीक सीजन है बुआई का, अभी किसानों के हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि किसानों को उचित मूल्य पे खाद बीज तथा अन्य जो कृषि इनपुट है वो प्राप्त हो। अगर इसमें संबंधित विभाग के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोताही की जाएगी तो जिला पदाधिकारी महोदय इसे बिल्कुल गंभीरता से लेंगे और संबंधित विभाग को रिपोर्ट करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के अंतर्गत 18 दिव्यांगजनों को माला पहनाकर बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और हेलमेट बांटे। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष में 353 बैटरी चलित ट्राईसाइकिल आवंटित की गई। प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों के आधार पर 51 पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदकों को स्क्रीनिंग समिति स्वीकृति दी गई। वितरण समारोह का आयोजन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण गोशांक ने किया। द्वारा संबल योजना के तहत जो है बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल जो है यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग बंधु है भगिनी है उनको दिया गया है। ये 42,000 के करीब इसका जो है कॉस्ट आता है। आप देख रहे हैं कि ये पूर्वी चंपारण जिले के कोने कोने से आते हैं और 80 किलोमीटर तक जो है ये बैटरी रहती है, उसके बाद इसको चार्ज करना पड़ता है। एक साल की वारंटी भी दी है, क्योंकि जो मैनुअल ट्राईसाइकिल रहता था तो कुछ ऐसे भी हमारे दिव्यांगजन थे वो नवादा में सब्जी तोड़ने के मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की तेज धार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से भाई घायल हो गया। बीच बचाव करने आए दो पड़ोसी हादसे में जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों का इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घर में थोड़ा सा सब्जी के चलते लगा हुआ सब्जी पेड़ है, उसको बोला इधर नहीं लात मोड़ दो, बोला नहीं रहने दो दीवार पर, क्या दिक्कत। इसी घटना में मारपीट हुआ तो फसली निकाला, फसली मारने लगा, हम लोग नहीं रह गया देखे तो जाकर छोड़ाने लगे, हम लोग पर फैटा फैटी छुरी छिनाया। फिर राज्य स्वास्थ्य समिति में चयनित एएनएम को प्रेक्षागृह में रेंडमाइजेशन के तहत स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति पत्र जारी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। सिविल सर्जन डॉक्टर किशोर कुमार मधुप ने कहा कि 152 एएनएम को पोस्टिंग के लिए आवेदन किया गया था, सभी का पारदर्शी तरीके से नियुक्ति दी गई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि कंप्यूटरयुक्त रेंडमाइजेशन के तहत एएनएम को जहां भी नियुक्ति मिली है अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। लगभग का आज प्रेजेंस था और ये पूरे एएनएम का हम लोग ने एक पहले लिस्टिंग कर ली कि कितनी एएनएम सेलेक्ट होके हमारे जिला में आई हैं और उसके बाद जितने हमारे रिक्त पद थे उन रिक्त पदों को चिन्हित कर लिया गया। सारे रिक्त पदों के अगेंस्ट एक प्रॉपर एक्सेल के ऊपर सिस्टम क्रिएट करके एक रैंडम सिस्टम बनाया गया ताकि ये जितनी हमारे सेलेक्टेड एएनएम है वो रैंडमली किस हमारे प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कहाँ पे या किस प्रखंड में जाएंगे, सब रैंडम सिलेक्शन। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में दूध डेयरी के कलेक्शन एजेंट से बदमाशों ने 125,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। कलेक्शन एजेंट ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अपराधियों के गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए। काटा देखा कर पैसा सवा लाख रुपये छीन। कितने लोग थे? तीन। क्या चीज से थे? मोटरसाइकिल से। आगे आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को सूचना दिए हैं? जी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी,
सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबर की ओर। रामनगर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने निशुल्क बस सेवा का परिचालन किया। उद्घाटन नगर कार्यपालक ऋषिकेश अवस्थी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि टेम्पो चालक जगह जगह रोड के किनारे टेम्पो लगाकर अतिक्रमण किया जाता है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है और प्रदूषण भी फैलता है, जिसके रोकथाम के लिए निःशुल्क बस परिचालन किया जा रहा है। आम जनता के आधार पर आगे बस किराया तय किया जाएगा। प्रारंभ में शिव मंदिर से भगत सिंह चौक, अंबेडकर चौक, हरिनगर से रेलवे स्टेशन के बीच बस का संचालन किया गया होता है, और जो सड़क लोगों को मिलनी चाहिए जितना स्पेस, वो सारा टेम्पो की पार्किंग में ही चला जाता है। हर जगह आप देखिए, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पो खड़े हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि सड़क बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है, रोड पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रहते हैं। तो इस पे मंथन करते हुए हम लोगों ने, नगर परिषद ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग एक निशुल्क बस सेवा चलाएंगे, और यह 1 महीने का प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग में अगर रिस्पांस लोगों का अच्छा आता है, नागरिकों का रिस्पांस अच्छा आता है, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अंबेडकर चौक के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने संविधान निर्माता की प्रतिमा तोड़ने वाले को चिन्हित कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग को लेकर स्टेशन रोड को जाम कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के नेता और जदयू के जिला प्रवक्ता प्रेम कुशवाहा ने भी असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से की और आंदोलनरत लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे। धीरज, जिस तरीके से आज पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, वहीं ये खबर सामने आती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है अभी तक? जी, कल की घटना जो है बहुत निंदनीय रहा बॉक्सर के लिए, और वहाँ के मतलब कुछ असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर चौक, जो यहाँ का बहुत पुराना चौक है और अंबेडकर मूर्ति लगा हुआ था वहाँ पर, कुछ असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर के जो हाथ का जो उंगली है उसको तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत पूरा उग्र हो गया था और लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए थे और उनके समर्थन में उतर कर और पूरा यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया गया था, जिसको मतलब उसको संभालने के लिए पूरा प्रशासन लग गया था यहाँ पर, जो कि अभी तक ये चर्चा है। कल यहाँ पर भविष्य संविधान का निर्माण दिवस मनाया जा रहा था, इसको एक दिन पूर्व जो कि सक्रिय किया गया यहाँ पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। फिलहाल आज के बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के